कवर्धा जिले में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जोश भरा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने 45 विधानसभाओं में सर्वे कराया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ राजनीति करती है, हमारी सरकार ने कर्ज माफी की है और इस बीच के कमीशन खोरी को खत्म किया है। ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने भी अपनी ओर से सर्वे भी कराए, बहुत जगह सर्वे कराए। मैंने भी अपने तरफ से करीब 45 विधानसभाओं का सर्वे कराया और ये देखने को मिला कि अमूमन बल्कि शत प्रतिशत, ये मैं किसी प्रचार के लिए नहीं कह रहा, ये एजेंसियां हैं, ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ी रहती जो सर्वे करती है, और हर विधानसभा में जहां सर्वे कराया वहां सरकार के पक्ष में वातावरण बहुत बेहतर बताया गया। कम से कम 70%, 60% से कम कहीं भी नहीं लोगों ने ये कहा कि हम सरकार के काम से संतुष्ट है, सरकार अच्छा काम कर रही है। ये एक पहलू हुआ।